गाइस मम्मी की तबीयत खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा हाई हो रखा है। हे गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी को। अभी हो रही है बारिश और हमारा प्लानिंग है बारिश में भीगे। पहले जैसे ये बात है कि बारिश की वजह से ना पूरी छत काली हो चुकी है। शी गंदा पानी आ रहा, पानी भर रहा है। क्या करोगे आ रहा पानी भर के? टंकी में पानी भर रहा हूँ। टंकी आ रहा है। एक डांस मेरे को दिखा दो। डांस एलियन वाला डांस। हाँ अरे फिर कमर हिलाता हो। फनी आदमी। गाइस बारिश खत्म हो चुकी है यहाँ पर। अब ये बारिश वाला गेम खेल रहे हैं। बारिश मजा आ गया, मजा आ गया। ओ तेरी, अरे ये हड्डियां की एब्स हैं। हड्डियां पे हड्डी दिखा दो अपनी बॉडी। चलो ऑनेस्ट तो है। ओ तेरी, ओ ओ भाई, पीछे की बॉडी दिखाओ। पीछे की बॉडी मरेला लग रहा है, मरेला। गाइस सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। ओ माय गॉड। सो गाइस जस्ट अभी मैंने शूट कंप्लीट किया अपना, मतलब ऐसे ही नॉर्मल एक ट्रांजिशन वीडियो थी वो बनाई है अभी। और मेरे साथ मेकअप लगा के रखा हुआ, मेकअप मुँह धोना है। मन तो नहीं कर रहा मुँह धोने का क्योंकि आलस आ रहा है बहुत ज़्यादा। आलस में यहाँ पर दीक्षु भी है बहुत, जो 24 घंटे सोती रहती है, 24 घंटे इसको नींद आती रहती है। जब दीक्षु की छुट्टी होती है तो ऐसी पड़ी रहती है ऐसे ही। अब वहाँ खाना खा रही है खुशी, कह रही मुझे मत दिखा। और मेरी आंखों से आ रहे आंसू क्योंकि ये जो काजल है ना, मेरे को सूट नहीं करता काजल वगैरह, तो तभी मैं बहुत मुश्किल से काजल लगाती हूँ जिसकी वजह से मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। आरव क्या ले रहे हो? कुल्फी। जब पैसे कैसे दे रहे हो, पैसे कैसे दे रहे हो उसके हाथ में? मुझे भी देगा, मुझे देगा। और फाइनली मैं अपना मुंह धो लिया, इतनी आंख में मिर्ची मच रही थी ना अभी। और आ गया आरव। लिखा खा लूं, थोड़ा सा खा लूं। मेरा भी मन कर गया, मैं भी आ गई नीचे लेने के लिए कुल्फी। ये बंदी अपने ले लिया, बदतमीज औरत। अंकल मुझे भी दे दो एक 20 वाली। गाइस ऑनेस्टली बहुत टेस्टी हो रहा है, बहुत टेस्टी एकदम यम। बचपन में खाते थे उस टाइम ना, दो दो रुपए की मिलती थी, दो रुपए है ना मम्मी, एक एक दो दो रुपए की मिलती थी पहले, एक एक दो दो रुपए की मिलती थी। अब देखो इतनी सी 20 रुपए की मिलती है, 20-30, अब तो 10 रुपए भी नहीं मिलती, 20-30 और 50 रुपए की। क्या और खाने का मन कर रहा है, एक से भी इतनी मेरा सही यार। दीक्षु की तो छुट्टी है आज है। दीक्षु तो तेरा मन क्या करता है जब छुट्टी होती है? मूवी या सीरीज देखने। वो तो तू स्कूल के आने के बाद भी तो वही करती है, वही देखती है। बट वैसे बता रही हूँ, जब संडे का बहुत मन करता हो, संडे को क्या करने का मन अपने करता है? दोस्तों के साथ घूमने। पहाड़ में ज्यादा अच्छा लगता है देखो कि ऐसे या दिल्ली में अच्छा लगता है? पहाड़ तो पहाड़ में तब अच्छा लगता है जब घूमने जाए, एक गाँव में बस रहने का मन नहीं करता। क्या पढ़ना लिखना? घूमना ही तो ना, बस पढ़ना लिखना है नहीं। सच में पता नहीं पढ़ती नहीं पढ़ती। इसकी टीचर से मैंने बात तो करी नहीं वैसे आज तक। देखते हैं अभी जब पेरेंट्स मीटिंग होगी तब पता चलेगा। 12th चल रहा है, 12th बोर्ड एग्जाम। तुझे क्या लगता है तेरे 12th में कितने मार्क्स आ सकते हैं? पता नहीं, फर्स्ट आऊंगी फर्स्ट। अच्छा बेटा फर्स्ट आएगी तो तुझे लगता है तू कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा तेरे को? इतना घमंड नहीं आया ना गाइस? ये देखो ये क्या, ये व्लॉग भी इधर है। क्या होता है अभी हमारा यूट्यूब हुआ था तो मैं फेल हो गई। यूनिट टेस्ट में कितने मार्क्स आए? बस एक ही सब्जेक्ट में। कितने मार्क्स आए? 10। कितने में से? 4। कितने में से? 20 में से 4 मार्क्स आए। पढ़ के ही नहीं गई। अरे वो पढ़ के गई थी ना, जो पढ़ा था वो नहीं आया। और उसमें सारे डेट वाले क्वेश्चन आए थे, ये कब हुआ ये। हाँ तो उस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए ना। अरे पापा ये स्कूल जाने वाला है ना कुछ दिनों में। आरव आपको स्कूल जाके दोस्त बनाने हैं? क्या मित्र होंगे बहुत सारी वहाँ पर? मैं तो
एक काम करूंगा, लड़कियों से शादी कर लूंगा, स्कूल के अंदर शादी कर लूंगा। मेरी बात तो सुनो। हाँ? मेरी गर्लफ्रेंड है, आपको पता मेरी गर्लफ्रेंड है। अब गर्लफ्रेंड का तो बॉयफ्रेंड होता है ना? नहीं, मेरी तो गर्लफ्रेंड है। बस लड़की की बॉयफ्रेंड होता है, ढंग से बताओ ना अच्छे से। लड़की का क्या होता है बॉयफ्रेंड, और लड़की का? लड़के का क्या होती है गर्लफ्रेंड? ओह, ये कैसे पता आपको? अच्छा, लड़की की गर्लफ्रेंड क्या होती है? ये बताने का तैयार ही नहीं होता है? लड़की। अच्छा वैसे आप बुगाटी कब लेके आ रहे हो? से चला रहूंगा बुगाटी फरारी को, और आगे रुकते ड्रिफ्ट मार दूंगा। ड्रिफ्ट क्या होता है? जैसा करता है ना गाड़ी से ड्रिफ्ट, कैसे होता है मुझे समझ नहीं। ओ भाई, इसको ड्रिफ्ट सब कुछ पता है भाई। इतना तो मेरे को खुद ही नहीं पता भाई, इतना तो ना इसको पता है ना ही मेरे को पता है भाई। आ रहे थे कहाँ सीखा आपने ड्रिफ्ट वगैरह? टेक्नो गेमर उज्ज्वल? हाँ। अच्छा, टेक्नो गेमर से? हाँ। हाँ, रक्षाबंधन में क्या देने वाले हमें? टट्टी। टट्टी नहीं, कुल्फी। कुल्फी देगा? कुल्फी नहीं चाहिए मुझे, 2 करोड़ चाहिए मुझे। हाँ, 1 लाख रुपए नहीं, 2 करोड़। बताऊँ क्या चाहिए मुझे? बताऊँ मैं क्या, 2 करोड़ के बदले तो मैं 200 हजार पैसे दे दूंगा। इतना साल पैसे दे दूंगा। तो कहाँ से? बैंक से। 200 हजार नहीं, इतने तो किसी के पास भी नहीं है यहाँ पर। सो अभी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास मम्मी को लेके, क्योंकि मम्मी के हो रहा है सर में दर्द। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं सफदरजंग, वहाँ पर हॉस्पिटल में दिखा के आते हैं उनको। काफी देर से दर्द होता, दवाई वाई भी खा ली तब भी ठीक नहीं हो रहा, तो अभी चलते हैं। तू कहीं नहीं जा रहा? सफदरजंग जा रहे हो? हम घूमने नहीं जा रहे, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर आपके ना यहाँ पर ऐसा सुई लगाएगी ना, सुई मैं तो ऐसे करूंगा, इस घर से बड़ी जॉइंट सुई लेके आ जाऊंगा। जॉइंट सुई? अच्छा, उससे भी ज्यादा जॉइंट सुई ना तेरे को, तेरे यहाँ पिछड़ू में हड्डियां पर डाल देंगे। मैं ना बताऊँ कितनी बड़ी सुई लाऊंगा? कितनी बड़ी? धरती से भी बड़ी सुई। चल हम जा रहे भाई। तो हम निकल चुके हैं, चलते हैं अब। भैंस की टैंट हर ना तरह। अभी 4-5 कुत्ते यहाँ पे बैठे थे साइड में, मैंने जैसे देखा मैं पीछे घूम के वापस आ गई, आगे बैठ रही थी मैं। भाई साहब इतने खतरनाक कुत्ते अपने गली के। क्या हो रहा है वैसे आपको? सर में दर्द हो रहा है बस? पता नहीं, काफ़ी दिनों से मम्मी के यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि कुछ अटक कर रखा है, खाना जो भी खा रही है वो अटक रहा है इधर की तरफ, और यहाँ पर थोड़ा सा स्वेलिंग सी हो रखी है इधर की तरफ। देखते हैं अभी डॉक्टर के पास जाते हैं और पता करते हैं क्या मामला है। तो पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, अब चलते हैं अंदर की तरफ। बाहर जाके बीपी चेक कराओ। बोला सर में सर भर रखा है, छाती में भी कुछ लग रहा है। चलो ज्यादा बीपी वाले चेक करवा पहले। तो हमें पता दिया डॉक्टर ने, इसमें हमें ब्लड प्रेशर 3 चीजें चेक करानी है। तो यहाँ पर चेक करा मम्मी का बीपी, और पिछली बार बहुत ज्यादा आया था मम्मी का, आई होप उतना ज्यादा ना हो। तो पिछली बार से उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही है। अभी दवाई लेने के लिए बोला है मम्मी, दवाई लेने के लिए बोला है। तो मम्मी का सिर्फ बीपी हाई है और कुछ नहीं है। पता नहीं, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था, मम्मी का बीपी हाई था। अभी थोड़ा बहुत मम्मी को हो रहा है, थोड़ा क्या काफ़ी हो रहा है, अजीब से चक्कर आ रहे हैं मम्मी को, हेडेक ज़्यादा हो रहा है, पर बीपी है बहुत ज़्यादा। बना हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम सीरियस तो नहीं है। हाँ, बट हाँ मम्मी के हो रहा है, थोड़ा टेंशन ज़्यादा लेती है मम्मी, ये भी है। तो चलो अब लेने चलते हैं दवाई। पापा तो गाड़ी के अंदर बैठे हैं, जाते दवाई लेने। तो ले ली दवाई, अब चलते हैं। ये लो अभी खा लो। सेम दवाई क्या? हाँ सेम है। क्या? गैस की? आइसक्रीम? आइसक्रीम उसे क्या हुआ? ऐसे कुछ नहीं हुआ, आइसक्रीम खानी मम्मी को। क्यों छोटी ये क्या लाई? छोटी तो लानी थी। हाँ। छोटी नहीं, इससे बड़ी होती है? इससे बड़ी भी होती है बहन। अच्छी ला रही है। तो बड़ी बड़ी जाए, बड़ी लिया। बड़ी लाऊं? लाना। मम्मी को बड़ी खानी थी। अच्छी ला रही है। क्या बोला अभी आपने? गाइस मैं डाल नहीं सकती, गलत बात बोलती मम्मी ने यहाँ पर। हट, आइसक्रीम खाएगी बच्चे की तरह मम्मी भी। सर में दर्द हो रहे हैं, आइसक्रीम खा रही हूँ। बताओ ऐसे खाता आइसक्रीम?
बच्चे खाते हैं आइसक्रीम, बड़ों पे शरीर नहीं होता, बड़े इंसान ही नहीं होते।